everyone, assalamu alaikum. This is me, Rebecca Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. Okay, so guys, आज का vlog है. क्या है vlog? We don't know. तो full vlog आप लोगों ने जरूर देखना है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को. अच्छा सच बताऊँ तो मैं इतनी टाइम से यू नो बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या. फिर मामा ने मुझे बोला कि बेटा तुम्हारे पास तो ये चीज है, तुम तो ये करवा सकती हो. तो चलिए चलते हैं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा तो मैं किस जगह की बात कर रही हूँ और किस बारे में बात कर रही हूँ. सो आई एम गेटिंग रेडी. सो फाइनली आई जस्ट गॉट रेडी गाइस. तनाम आज मैंने बहुत डिफरेंट लिपस्टिक लगाई है, वरना मैं हमेशा एक ही लिपस्टिक लगाती थी. खैर एनीवेज अभी आई एम वेटिंग कि भैया ऊपर आए तो फिर हम लोग निकले. भैया बहुत टाइम लगाते तैयार होने में, जैसे वो तैयार होकर ऊपर आएगा फिर हम लोग जाएंगे. हेयर आई एम वॉचिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है. लेकिन आई एम गोना मिस देम यार. ये वाली जनरेशन मुझे इतनी पसंद है और मैंने शुरू से देखी है और दोनों मुझे इतने पसंद है. पर आप सबको पता है कि हर्षद चोपड़ा वो मुझे कितने अच्छे लगते हैं, बट अब ये चले जाएंगे ड्रामे से तो मैं कहाँ देखूँगी. आप लोग देखते हैं ये ड्रामा, अगर देखते हैं जाके कॉमेंट सेक्शन में बताइए. So here I am ready to go guys. So जल्दी से हम चलते हैं, भैया साहब आ गए हैं, अनु साहब भी आ चुके हैं. Let's go. So guys मैं पहुंच चुकी हूँ काशीज, मुझे आना था काशीज और इतने टाइम बाद मैं आई हूँ. मुझे लेनी है सर्विस और अर्जेंट में ही सर्विसेज वगैरह लेने, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मेरी ट्रैवलिंग है आगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए आज के आज हमें लेनी है. बेसिकली इतने टाइम से मैं बहुत ज़्यादा हेयर फॉल जो हूँ वो यू नो फेस कर रही हूँ, बहुत गंदा हेयर फॉल हो रहा है. सो आई थॉट कि मैं कैरेटिन करवा लूँ ताकि मेरे बालों की हालत भी सुधर जाए और हेयर फॉल भी थोड़ा कम हो जाए, स्ट्रेटनर और कलर से जान छूट जाए. तो इस वजह से वॉश हो गया है और अभी कर रही है मेरे बालों को ड्राई. इसके बाद कैरेटिन का पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा और प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, हमें बहुत देर तक यहाँ बैठना होगा, बट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. तो देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आते हैं. हमेशा भी तो अच्छे आए बट इस दफ़ा मैं ज़्यादा डरी हूँ. कैरेटिन का मास्क जो है वो अप्लाई हो चुका है एंड वी हैव टू वेट ऑलमोस्ट 45 मिनट. 45 मिनट तक मुझे इसी तरह बैठे रहना है. एक तो मेरा नेट नहीं चल रहा है, ऊपर से गाने भी चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत बोरिंग हो रहा है, वेट करना पड़ेगा. 2000 years later. सो यहाँ पे मेरे हो रहा है मैनी पैडी स्टार्ट. एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मैंने सोचा कि जब तक मैं और सर्विसेज करवा लेती हूँ तभी मेरी और सर्विसेज होंगी, फिर उसके बाद हम हैंड वॉश करवाएंगे. तो अब इसका जो भी प्रोसेस होगा वो वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, बट अभी फ़िलहाल मैं करवा रही हूँ मैनी पैडी. आई एम डन विद मैनीक्योर एंड पेडीक्योर. साथ ही साथ मास्क लगने के बाद उन्होंने मेरे बालों में किया है ड्रायर, अब ये करेंगे स्ट्रेटनर. और आई गेस फिर मुझे एक दिन बाद आना पड़ेगा ना, परसों आना पड़ेगा वॉश के लिए और ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बट क्या करें, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है. सो आई हैव टू वेट. सो अब एक एक बाल लेकर बाल जो है वो स्ट्रेट होंगे, फिर उसके बाद मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना है, ऑलमोस्ट 1 घंटा. सो वेट फॉर 1 आवर. सो यहाँ पे हो रहा है मेरे बालों पर स्ट्रेटनर आई और एक एक बार देखिए ये इतनी मेहनत से स्ट्रेट कर रहे हैं और यही पूरा प्रोसेस है कैरेटिन का. अभी पूरे बाल स्ट्रेट होंगे, फिर उसके बाद 1 दिन का वेट करना होगा, फिर परसों आके वॉश करवाना होगा. अभी पूरा मुझे लगता है आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा, 15 मिनट में हो जाएगा, थैंक गॉड. सो यहाँ पे मेरे सारे बाल जो है वो स्ट्रेट हो चुके हैं गाइस और अब मुझे अपने बालों को बिल्कुल भी कान के पीछे भी नहीं करना है, इधर उधर छेड़ना भी नहीं, बिल्कुल एज इट ऐसे ही रखने हैं. परसों तक हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, फिर उसके बाद जब वॉश हो जाएगा तो बाद में फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे, फिर बाद में वो अंदर कुछ भी तरह हो जाएगा. बट खैर अभी हमें पूरा 1 दिन इसी तरह से रखना है.
अब मैं आई हूँ यहाँ पर फेशियल वाले डिपार्टमेंट में, मुझे अपनी आईब्रोज जो है वो बनवानी है, वैसे इतनी मेरी होती नहीं है बट थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा बाल है वो निकलवानी है। सो हम लोग आ चुके हैं खाला के घर और इन लोगों की भी कटिंग हो गई। दिखाना अपनी कटिंग, कटिंग दिखाओ, दिखाए आप अपनी कटिंग दिखाए। ओहो ये मेरा मुन्ना तो हीरो लग रहा है, हीरो हीरो मानिए। आप ही तो कर सकती ना आपके बाल खराब। चलो एक एक करके आगे करा। भी कर सकता मेरी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बालों में वो लगा हुआ है केमिकल, मेरे बालों को कोई टच ना करे और हम दो दिन तक घर में काम नहीं करेंगे, सारे काम आप लोग करेंगे। अपने बाल इनके बाल अच्छे लग रहे हैं और इनके बाल और इनके बाल ये लग रहा है नसीरुद्दीन शाह में। तुम्हें पता ही कौन है जी? उसमें मिला आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरी उनमें मिला है क्या नहीं, या अगर किसी और मिला तो भी बताएगा। तो आफ्टर टू डेज अगेन आई एम हेयर एट काशी फॉर माई हेड वॉश, और इससे पहले जो उन्होंने दोबारा ट्रीटमेंट किया था, फिर उन्होंने दोबारा मास्क लगाया था, देन हेड वॉश कराया है। तो अब ये बिल्कुल जब बाल ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेट हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे बाल। तो वो फाइनल रिजल्ट ही आप लोग को दिखाऊंगा ड्राई होने के बाद। तो यहाँ पे मेरे बालों में कैटन हो चुका है, साथ ही साथ मम्मा के भी हो चुका है। मम्मा अपने रिजल्ट दिखाएं। ओ माय गॉड माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बाल भी बहुत अच्छे हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। आज ही तोते बच्चे को हम ले आए थे, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। चलो 2000 years later so अल्हम्दुलिल्लाह घर पर आ चुके हैं गाइज, और ये सारा सामान भी आ चुका है इन लोगों के लिए। हम लोग खाना लेके आए बाहर से, बाकी नाश्ता भी आ गया। ये फ्रिज में रखो जैम, कौन सा पेपर है? कोल्ड ड्रिंक लेके आई है। कौन सा पेपर है? उर्दू है बेचारे का, उर्दू का पेपर है। खैर ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, जल्दी से जाके लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं लगा दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में अपना बहुत सारे ख्याल रखें। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।